शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लखीमपुर खीरी समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जनपद की सभी तहसीलों पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं जिला अधिवक्ता संघ लखीमपुर खीरी द्वारा प्रदर्शन कर राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें डीजल पेट्रोल व रसोई गैस के दाम कम करने की मांग की गई। इस मौके पर सपा के जिलाध्यक्ष कयूम खान ने कहा, इस जन विरोधी सरकार को हटाकर ही दम लेंगे, जिससे जनता को महंगाई से निजात मिल सके। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिला। पूरे जनपद में बंद का मिलाजुला असर रहा तथा शांतिपूर्ण रहा। मोहम्मदी तहसील पर पूर्व मंत्री आर ए उस्मानी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज, कोई बड़ा स्कूल अगर इस केंद्र और प्रदेश की सरकार ने बनाया हो तो ये बता दे। आज डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बेताजा वृद्धि हो गई। खाड़ी मुल्क से अगर उत्तर या इस देश पेट्रोल आ रहा है तो पड़ोसी मुल्कों में भी डीजल पेट्रोल आ रहा है। पड़ोसी मुल्कों में 35 रुपए और 40 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल क्यों है? आज यहाँ 80 रुपए 90 रुपए डीजल पेट्रोल क्यों है? इसलिए इन सरकारों को सरकार में बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। 2019 में लोकसभा के चुनाव होंगे और इनको जनता उखाड़ के फेंकेगी।